देर इज समथिंग बिग इज इन ऑफिस टुडे, नॉट श्योर वट इट इज, बट कोई चीज आज वाकई हमारे ऑफिस को हिलाने आई है। जिस तरह से चीज़ों में एक्साइटमेंट आ रही है, इस तरीके से हमारे आज स्टूडियो में भी कुछ एक्साइटिंग चीज़ है रिव्यू करने के लिए। लेट्स अनरैप द क्लोथ्स एंड सी व्हाट दिस ब्यूटी इज। Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. So, ये है Sony का Shake X70 Home Audio System. This is something like a powerhouse speakers for not really the home-based audio, but it is specifically designed for you know big parties, DJ stuffs. और इसके जो फीचर्स हैं और इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही हाई क्लास और हाई परफॉर्मेंस है। इट्स हैविंग बिग हॉर्न बेस्ड पावरफुल बेस स्पीकर्स जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी बेस पंप्स हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे सबसे पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं और असेंबलिंग करते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये कौन सी बला है और ये कैसे चीज़ों को हिला सकती है और वाकई इसका जो नाम है शेक X70 क्या ये हमें वाकई शेक कर सकती है। इसके रियल एग्जांपल्स इंशाल्लाह देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मैं इधर एक अपने हेल्पर को बुलाता हूं ताकि ये जो बिग सा डब्बा है ये वो मेरे साथ मिलके उठाए। प्लीज आइएगा। Wow, this is the beauty, this is honestly the beauty. So aap dekh rahe hain ke this one is having two big speakers, having a 15 inch big woofer, 6 inch mid range and horn based tuners available in both speakers. It is really giving a very high pumping bass. Honestly, this studio will shake after few minutes when we will assemble it. Quickly करते हैं और इसका जो amplifier है उसको भी open करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है इसमें। This is actually the amplifier for this big speaker, the actual masterpiece, जो कि इन सब चीज़ों को quickly बजाएगा और करेगा, right? ये इसकी booklets हैं और कुछ wires हैं इसकी जो पीछे हैं। The beauty is great, having so many features. This is the karaoke plate. Okay, finally हमने इसको assemble कर लिया है और it really gives a tough time to us. Big speakers unbox karna, assembling karna, wires ki wo sab cheeze hai. Aur phir humne isko thoda sa test bhi kiya hai. Ab hum aapko batate hain ki what it gives a feel when you first power it on. To main isko power up karta hu and see how it goes. Okay, so jaise hi hum isko open karte hain, isme ek bahut hi cool si light aage flash hoti hai. Theek hai, apart from that iske jo horn बेस्ड स्पीकर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं और इसकी बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे एक्टिवेटेड। पीछे भी इसके दो पार्टी लाइट्स दी गई हैं जो आपको यहाँ पे इफेक्ट दे रही हैं और बता रही हैं कि एग्जैक्टली हाउ कूल इट इज़ फॉर अ होम बेस्ड पार्टी स्टाफ और कैसे ये चीज़ों को अच्छा लेके चल रहे हो ये बताते हैं। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे इसका जो व्हील है, स्पिनिंग व्हील, ये बहुत मल्टीपर्पज़ स्पिनिंग व्हील है
चाहें ये वॉल्यूम कंट्रोल करवाएं, डीजे इफेक्ट्स को कंट्रोल करें या कुछ भी, ये मल्टीपर्पज इफेक्ट्स है। यहाँ पर हमें माइक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये माइक और गिटार का यहाँ पे बिल्ट इन के पावर सॉकेट्स दिए गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जो मैं आपको बताना भूल गया, कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास ब्लूटूथ का ऑप्शन अवेलेबल है। ब्लूटूथ के साथ साथ इसमें बैक साइड पर अगर हम देखें जाए तो HDMI के पोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप HDMI कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर USB का फंक्शन अवेलेबल है और इसके अंदर स्ट्रीमिंग या एयरप्ले या स्ट्रीम कास्ट के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ को ये सपोर्ट नहीं करता। बट उसके साथ साथ ये आपके नॉर्मल एक्सटेंसिबल स्पीकर्स अगर आपने लगाने हैं तो वो यहाँ लग सकते हैं। वीडियो आउट के फंक्शनैलिटी है और बहुत सारे इसमें ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं, LDAC के कोडेक्स अवेलेबल हैं जो आपके साउंड को और चीज़ों को बहुत हद तक अच्छा करते हैं। और इन माइक्स और इसकी फेडिंग और लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, इको को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बटन्स हैं। उसके साथ साथ नीचे आ जाएं तो यहाँ पे FM रेडियो का ऑप्शन है, तो उसके लिए यहाँ पे ट्यूनिंग के सारे चैनल्स को रिट्यून करने के ऑप्शंस हैं। उसके साथ साथ चूंकि ये CD-ROM DVD-ROM प्लस के साथ आता है, विच इज हैविंग इंक्लूडेड द राइटर स्टफ एज वेल, मतलब आप इसमें DVD राइटिंग और ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये इसकी इसको इजेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। और उसके बाद हम इस तरफ आए तो पावर बटन, प्ले एंड पॉज बटन, उसके साथ साथ पार्टी लाइट्स का बटन है, लाइट मूड को कॉन्फ़िगर करने का बटन है, और अगर आपने कोई म्यूज़िक को डायरेक्टली USB में रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से USB प्लग इन करके तो जो भी म्यूज़िक यहाँ चल रहा है उसको ये रिकॉर्ड करने का भी बहुत अच्छा फंक्शन रखता है। ब्लूटूथ का बटन डेडिकेटेडली है और एक मेगा बेस का यहाँ पर डेडिकेटेड बटन है जो आपके नॉर्मल बेस को भी बहुत अच्छा इन्हेंस कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल अभी हमने टेस्ट करते हुए लगाया था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी वॉल्स तो शेक हो रही थी बट ये छत है फार सीलिंग की उसमें भी शेकनेस आई और उस शेकनेस से थोड़ा बहुत पेंट और चीज़ें भी नीचे आने लग गई। खैर इसका एक लाइव एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं हाउ इट गोज एंड हाउ इट फील्स। सो मैं अभी हमारे कंपेनियंस को कहता हूँ कि वो अपना आईफोन या कोई फ़ोन कनेक्ट करके और कुछ प्ले करें और फिर हम देखते हैं कि कैसे ये चलता है। जी ओके, सो नाउ यू कैन सी आई कैन कंट्रोल द वॉल्यूम फ्रॉम हियर। ठीक है, इट डज हैव अप टू 50 वॉल्यूम रेंज, मैं इससे ज़्यादा इसको लेके नहीं जा सकता। If I open the mega bass, it does have a party light option, light modes का option है। यहाँ पर अगर आप इसमें एक और बात बताते चलूँ, अगर आप डीजे के इसमें कंट्रोलर ऐड करते हैं तो उस डीजे के फंक्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आप बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें फ्लैंगर ऑप्शन, आइसोलेटर ऑप्शन और ये दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसको मैं अभी फ़िलहाल टेस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू यू नो लिमिटेड चीज़ें, बट इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे इसको चला सकते हैं। सर तो फिर अब हम लोग इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी और बढ़ा के देखते हैं कि क्या आपको वाकई बेस का पंप फील होता है या नहीं। मेरे जो यहाँ पे कंपेनियंस हैं जो इस चीज़ को मेरे साथ शूट कर रहे हैं, दे हैव सीरियसली यू नो उन्होंने कर लिया था क्या, वो सफाई यहाँ हो रही है, कुछ गिर रहा था ऊपर से।
वी सेव्ड आर जो हमारे यहाँ पे ऊपर शीशे लगे हुए हैं फॉल्स सीलिंग्स पे, वी जस्ट सेव्ड इट और वो अभी ब्रेक नहीं हुए. अच्छा ऑनेस्टली इसको हम कंटिन्यूसली चलाएं, इट वॉज स्टार्ट शेकिंग. ये जो इसका एम्पलीफायर है ये इसके ऊपर पड़ा हुआ था, ये बहुत आगे हो गया इसकी बेस की वजह से. मैं पीछे खड़ा हुआ था तो इस बेस की जो हॉर्न्स की जो मतलब चीज़ें आ रही थी वो फील मुझे पीछे आ रही थी मेरी लेग्स पे. और आगे जो मेरे बंदे थे, क्योंकि ये रूम की ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं है इस स्टूडियो की, तो वो चीज़ें रिटर्न हो रही थी. तो इस पावर हाउस के लिए हमें एक बड़ी स्पेस चाहिए और बड़ी चीज़ चाहिए, और इट्स अ कंप्लीट यू नो डीजे पार्टी क्लब और होम बेस होम थिएटर सिस्टम के लिए बेस्ट 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 चीज़ है सोनी की. ये समझ ले सिग्नेचर स्टाइल प्रोडक्ट है फॉर होम बेस पार्टी सिस्टम. और अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पे, ऑनलाइन भी. ये भी चूंकि अब लिमिटेड स्टॉक हो चुका है, सोनी सेंटर्स पर मोस्टली अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत एक्सपेंसिव होके मिल रहा है. हमने भी इसको अरेंज किया था तो बहुत मुश्किल से अरेंज किया है. और इट्स मस्ट हैव इफ यू वांट टू हैव समथिंग लाइक कोई होम इवेंट्स होम चीज़ें, तो ये अकेला सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है. अगेन जो इस पूरी स्पीकर्स का शेक X70 के जो इनका मेन विजन है वो है कि ये वाकई शेक करते हैं रूम्स को या हॉल्स को या नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल प्रूव्ड है. बिकॉज इसकी जो पंपिंग बेसिस स्पेस है वो मतलब अगर आप यहाँ इसके आगे बैठ जाएं और इसकी अगर हाफ वॉल्यूम भी कर दें और आप बकायदा ये महसूस कर रहे होंगे कि क्या प्रेशर आ रहा है, क्या हवा और एयर की फील आ रही है इसकी बेस के साथ, और किस तरीके से ये क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इस इतने से उसमें. फाइनली द जर्नी इज़ वेरी गुड और बड़ा हार्ट फीलिंग वाला था. इसको अभी तक हम लोग बहुत अच्छी तरह से चेक भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन एक क्लोजिंग रिमार्क्स मैं ये देना चाहूँगा, सोनी इस जगह पर इस होम थिएटर्स में या होम बेस्ड ऑडियो सिस्टम्स में बाकी सब ब्रांड्स को पीछे कर गया है. और जो जिस बंदे ने इस X70 का या शेक X30, 50 जो एक पूरी शेक सीरीज है इसका मजा चख लिया है, वो फिर पैनासोनिक LG या सैमसंग या किसी और होम थिएटर्स पर नहीं जा रहे होते, या होम बेस्ड ऑडियोज पर नहीं जा रहे होते, या डीजे पार्टी के सॉन्ग्स पे. आजकल बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स आ गए हैं बड़े बड़े ट्रॉली बेस्ड, इसका मुकाबला नहीं है. अगर आपके पास बिग स्पेस है ऑलमोस्ट लाइक कोई 30-40 फिट बाय 30 फिट, इट्स अ बिग स्पेस, देन दिस स्पीकर्स कैन इजीली कवर दैट मच बिग स्पेस. बाय करें अगर करना चाह रहे हैं, अगर वाकई आपको कोई पार्टी होस्ट करनी है, अगर आपको वाकई कोई इवेंट करना है, कोई ऐसा डीजे बेस्ड टाइप चीज़ चाहिए या होम बेस्ड पार्टीज या किसी भी चीज़ के लिए गा रहे हैं, तो ये सोनी शेक X70 आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें. और अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या चीज़ों को आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम ज़रूर करते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय. No me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, cómo llegaste aquí. Cantando que la ni, baby, dámelo a mí.